हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास सेवन्थ का एकलव्य बैच। एकलव्य बैच में जो हम सबसे पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस। आपकी बुक में फ्रैक्शन से पहले इंटीजर्स नाम का चैप्टर दिया हुआ है, उसको हम इसके बाद में लेंगे। फ्रैक्शंस के साथ आप लोगों को डील करना आना चाहिए। इसमें हम बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि जैसे एलसीएम कैसे लिया जाता है, एचसीएफ कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ समझा दूंगा। उसके बाद में हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर को करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हो सकेगा जहाँ तक तो हम कोशिश करेंगे कि बीच में ही यहाँ क्या करें हम लोग, मतलब इंटीजर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बीच बीच में यहीं सीख लेंगे आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को, तो वहाँ पे जाके हमारे को केवल क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। फ्रैक्शंस चैप्टर आप लोगों ने क्लास सिक्स में भी पढ़ा होगा। हो सकता है कि कोविड की वजह से क्लासेस लेट चली है तो किसी के स्कूल में इसको इस सिलेबस से हटा दिया गया हो, लेकिन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिक्स लेवल से ही आप लोगों को क्या करूँगा, पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में सेवन्थ लेवल पे जाके पढ़ाऊँगा, उसके बाद में हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा केवल चैप्टर टू फ्रैक्शंस का ओवरव्यू होने वाला है, जिसके अंदर हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, कितने लेक्चर्स के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारे को खुद को नोट्स कैसे बनाने, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि 11 से 12 लेक्चर्स में ख़त्म कर दिया जाए। हर एक लेक्चर कम से कम यानी तो 30-40 या उससे छोटे भी टाइम का हो सकता है, मिनट्स का बनाने की कोशिश करेंगे। 30-40 मिनट्स आप लोगों के लिए सुटेबल टाइम है, आप लोग इतने टाइम तक बैठ सकते हो। इससे कम टाइम में क्या होगा, कोई एक ही टॉपिक कवर हो पाएगा, फिर हमारे लेक्चर्स ज़्यादा हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम होगा तो आप लोग इतने टाइम तक एक साथ बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को इन सभी को जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसको अपने प्रॉपर एक कॉपी बना के नोट्स में लिखिए, उसके अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। इसके साथ ही यहाँ जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं पहले एक क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में जितने भी आगे के क्वेश्चंस कराऊँ मैं यहाँ पर उनको आप क्या करो, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं जो सॉल्यूशन कराता हूँ उसको अपने अपने आंसर के साथ मैच कीजिए। अगर आप लोगों का रिजल्ट सही आ रहा है इसका मतलब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, अदरवाइज आप लोगों का ये समझ लो कि यहाँ से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप लोग फ्रैक्शन को बेसिक से जब समझोगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेकेंड है फिर हमारे को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ना है। बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, सबको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कर करके देखेंगे। तो क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन, क्या होता है वल्गर फ्रैक्शन, क्या होता है। फिर एक अलग लेक्चर के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट, लाइक, अनलाइक, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नाम अजीब से लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रैक्शंस को कंपेयर किया कैसे किया जाता है। यहीं पे हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है, तो ये वाली चीज़ भी हम यहाँ देखने वाले। उसके बाद में हम लोग सेपरेट वीडियोज़ बना बना के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करते हुए इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एडिशन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर पहले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद में क्या करूँगा बहुत सारे उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अच्छे लेवल के पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को अलग से पूरा डिटेल में एक अलग वीडियो में समझेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम समझने वाले हैं। यहाँ हम जो बुक कवर करने वाले हैं वो एक तो एनसीईआरटी की पूरी बुक कवर करेंगे, इसके साथ ही जो आरएस अग्रवाल स्टैंडर्ड बुक है जो कि कई स्कूलों में सजेस्ट की जाती है या वहाँ पर चलती है, तो उसको भी हम यहाँ पर रेफरेंस मान के उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर ओवरव्यू के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अपनी एक कॉपी बना लीजिए, इसके साथ ही एक डेली सिटिंग टाइम बना डिसाइड कर लीजिए कि हमारे को इस टाइम पे बैठ के वीडियो को देखना है। कोशिश करूँगा मैं कि अगर हो सका जहाँ तक आप लोगों के लिए डेली का एक लेक्चर जरूर लेके आऊँ, अगर नहीं होता है तो मैं इसको संडे वाले दिन 2 से 3 लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करके कि एक लेक्चर डेली का आना ही चाहिए, ऐसी मैं कोशिश करूँगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।